ब्रेक नंतर बघूया पुढच्या बातमीकडे. कोर्टाच्या आदेशानुसार शहरातील धार्मिक स्थळे पाडण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करून देखील शिवसेनेचे नेते प्रवीण शर्मा यांनी देवीच्या प्रती आपली भक्ती व्यक्त करत नवरात्रीच्या पर्वावर मा तुळजा भवानीची मूर्ती आपल्या घरी विराजमान केली. त्यामुळे मा तुळजा भवानी देशभरात नवरात्रीची धूम माजली आहे. अशातच कोर्टाच्या निर्णयामुळे भक्तांमध्ये नाराजी सुद्धा बघायला मिळत आहे. मात्र शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि समाजसेवक प्रवीण शर्मा यांनी नैराश्य बाजूला सारून एक वेगळंच उदाहरण भक्तांपुढे ठेवलं आहे. शहरातील देवस्थाने पाडण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांचे मनीष नगर येथील तुळजा भवानीचं देवस्थान पाडण्यात आलं होतं. मात्र अडचणींवर मात करत प्रवीण शर्मा यांनी मा तुळजा भवानीची मूर्ती परत मिळविली आणि भक्तांच्या दर्शनासाठी स्वतःच्या घरातच मूर्तीची स्थापना केली. ये मा तुळजा भवानी मंदिर जो मनीष नगर का है, वह सबसे पहले तो मैं GTPL का धन्यवाद करूंगा कि आज वह GTPL जो न्यूज चैनल है उसके वजह से मा तुळजा भवानी मंदिर को न्याय मिला है. जो मनीष नगर में यह जागृत मंदिर है और वह GTPL की वजह से आज माता जी की मूर्ति वापस मनीष नगर में स्थापित हुई है. तो सबसे पहले मैं मां तुलजा भवानी देवस्थान की तरफ से GTPL का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने GTPL न्यूज़ ने भक्तों को न्याय दिलाया है. क्योंकि यह मूर्ति काफ़ी पुरानी वहां माता जी की मंदिर की स्थापना हुई थी और जिसके अंदर में कुछ राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र करके यह मंदिर को गिराया था. जो कि महाराष्ट्र की कुल देवता माँ तुलजा भवानी का माता जी का मंदिर काफ़ी पुराना था, जिसमें कि वहाँ पे हमेशा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर होते थे, जिसके अंदर में मोतियाबिंदु के ऑपरेशन और लाखों आधार कार्ड और खास करके ब्लड डोनेट के कैंप हुआ करते थे कि जो गरजू व्यक्ति है जिन्हें रात में ब्लड नहीं मिलता है या दिन में कहीं भी ब्लड नहीं मिलता है तो माँ तुलजा भवानी माता मंदिर उनको ब्लड भी प्रोवाइड करा दी थी. और खास करके वहाँ पर यह शिविर कैंप हमेशा लगते रहते थे और हमेशा माता जी के आशीर्वाद से जो कि हजारों मनोकामना घट प्रज्वलित होते थे. लेकिन देखिए कि मंदिर टूटने के बाद भी भक्तों ने यहाँ पे मनोकामना अखंड जोत लगाई है कि उनको माँ तुलजा भवानी मंदिर मनीष नगर पर इतना विश्वास है कि नहीं, माता जी हमारे लिए जागरूक है और माता जी हमें कहीं ना कहीं न्याय देंगी. और उसी के अंदर में यह GTPL ने जो हमें साथ दिया है और मार्गदर्शन किया, उसके बाद में हम लोग मंदिर के कुछ ट्रस्टी लोग मंत्रालय गए थे. माननीय एकनाथ जी शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मिनिस्टर है, मंत्री महोदय है, तो हम उनके पास में गए और उनको बताया कि सर कहीं ना कहीं मंदिर के साथ में अन्याय हुआ है. जो कि वार्ड क्रमांक के जो नगर सेवक हैं और यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने षड्यंत्र करके और NIT के अधिकारी और महानगर पालिका के अधिकारी को दबाव में डाल करके यह जानबूझ करके मंदिर गिराया. क्योंकि पूरे प्रभाग के अंदर में सिर्फ एक ही माँ तुलजा भवानी मंदिर के ऊपर में कार्रवाई हुई, बाकी के मंदिरों को क्या उन्होंने परमिशन दिया है क्या? आज पश्चिम नागपुर के अंभोरे करके तो उनसे मिला और पाटिल साहब से मिला तो उन्होंने बोला कि आपको यह मूर्ति नहीं मिलेगी. तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगी भाई, हमने क्या गलत किया है क्या? तो नहीं, बोले आपको तो शर्मा जी स्पेशल ये मूर्ति नहीं देना, वो 6 महीने के बाद में हम सोचेंगे. और फिर जब वो ऑर्डर जब आया तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप मूर्ति के लिए आइए. फिर मैं गया वहाँ पे, शाम को गया, हम सब भक्त लोग गए वहाँ से मूर्ति लिए और फिर उन्होंने हमसे लिखवा करके लिए कि आप दोबारा वहाँ पर मूर्ति की स्थापना नहीं करना. तो मैंने बोला भाई हम दोबारा क्यों नहीं करेंगे, अगर माननीय अगर कोर्ट अगर हमको न्याय देता है और हमको न्याय की अपेक्षा है और माननीय कोर्ट हमको न्याय देगा ये हमको विश्वास है. क्योंकि NIT ने जो कार्रवाई की थी उनका कहना था कि रोड पर मंदिर है, जबकि वो रोड से 250 स्क्वेयर फीट अंदर है और उसके पहले कंपाउंड वॉल बना हुआ है वहाँ पे. तो उन्होंने जब हमको मूर्ति दिया फिर हम बढ़िया मूर्ति को लेकर के आए मनीष नगर में. फिर वहाँ से बढ़िया वहाँ से सभी भक्तगण थे बाजे गाजे से लाए, वहाँ बढ़िया हमने पटाखे फोड़े क्योंकि हमारी तुलजा भवानी माता हमको मिल गई. और उसके बाद में लाने के बाद में आता नवरात्र है तो नवरात्र उत्सव में फिर हम लोगों ने यहाँ पे मनीष नगर के अंदर में यहाँ पे इलाहाबाद बैंक के सामने वह मूर्ति को स्थापित किया है. और हमको कहीं ना कहीं विश्वास है कि माननीय न्यायालय हमको न्याय देगा और न्याय देने के बाद में हमको परमिशन देगा तो हम बढ़िया धूमधाम से वहाँ पे पुनः मंदिर की स्थापना करेंगे.
समाज सेवक प्रवीण शर्मा यांच्या ह्या प्रयत्नांमुळे मां तुळजा भवानीच्या भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे। प्रत्येक भक्तांची मागणी आहे की मां तुळजा भवानीचे मंदिर पुन्हा एकदा मनीष नगर परिसरातच स्थापित करण्यात यावे। मंदिर तर झालंच पाहिजे, कारण खूप छोटं होतं ते मंदिर, आता थोडं मोठं होईल छान, म्हणजे सगळ्यांचं दर्शन होईल सगळ्यांना। विश्वास तर आधीपासूनच होता जसं मातेवर, आणि जसं मी एक वर्ष झालं येत आहे जसं माहिती झालं तेव्हापासून मी येते। सर्वात आधी तर आई तुळजाभवानी महाराष्ट्राची कुलदैवत आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येक एक छोट्या मुलांपासून तर त्यांच्या आई बाबांचे आणि त्यांचे तीन पिढी एवढी भक्ती करतात आहे तिची की लोकांना माहिती नव्हतं की देऊळ तुटलं आहे, तरी लोक वर्षातून एकदा येतात आहे, तरी लोक विचारत इथंपर्यंत येत आहे की तुळजा भवानीची मूर्ती कुठे ठेवली आहे। लोकांना माहिती नाही तरी पण तुम्ही ह्याच्यावर पाहू शकता की लोकांना किती विश्वास आहे तू आई तुळजा भवानीला। काय सांगाल मंदिराबद्दल? बस एवढं सांगायचं आहे की मंदिर लवकरात लवकर आणि तिथेच बनून द्यायला पाहिजे एवढी आमची आशा आहे, आणि एवढीच आमची त्यांच्याकडून विनंती आहे की देऊळ तिथेच बांधून द्याव। कुठून आले, तुमचं नाव काय? माझं नाव ज्योती पिपळवा आहे, मी पुलगावची आहे, नागपूरचीच आहे आणि इथलीच आहे मनीष नगरची। मी इथे 15 वर्षापासून आहोत राहतोय। पहिले देऊळ जेव्हा लहान होतं तेव्हापासून येतो, आता देवळाचा विस्तार झाला होता त्यावेळेस तर सगळेजण यायचे, आम्ही पण यायचो, आता खूप मिस करतोय सगळं। असं वाटतंय की पुन्हा देऊळ व्हावं आणि सगळ्यांची तिथे भेट व्हावी आणि प्रार्थना करायला मिळावं यावं। ती देवीला घेऊन किती आस्था आहे मला? खूप आस्था आहे खूप, आणि आम्ही शोधत आलो की आज हे आहे आणि मांडव दिसला आम्हाला, त्याच्यामुळे मग आम्ही वर आलो। आता दर्शन घेतल्यावर खूप छान वाटतंय। प्रवीण शर्मांनी सांगितले की मां तुळजा भवानीचे मंदिर राजकीय पक्षपातातून पाडले गेले आहे। त्यांच्या मते कोर्टाच्या आदेशानुसार 50,000 धनादेश भरल्यानंतरही एनआयटीच्या वतीने ह्या देवस्थानावर कारवाई करण्यात आली, त्यामुळे त्यांनी न्यायालयावर विश्वास दर्शवित सांगितले की त्यांना मां तुळजा भवानीचं मंदिर पुन्हा त्याच जागेवर बनण्याची आशा आहे, आणि असं न झाल्यास देखील स्वबळावर आणि माताच्या भक्तांच्या मदतीनं मनीष नगर परिसरात माताचं भव्य मंदिर उभारते। एकंदरीतच नवरात्रीच्या आधीच माताचं मंदिर पुन्हा एकदा भक्तांच्या दर्शनासाठी उपलब्ध करून दिल्यानं मां तुळजा भवानी देखील आपल्या भक्तांच्या पाठीशी असल्याचे चित्रही स्पष्ट दिसू लागले आहे। कॅमेरामॅन हिमांशु सोबत श्रेया कोटांगळे, चिटपे न्यूज 24 साठी।